ठीक है, आगे आगे हिस्सा अगला। आज हम जा रहे हैं कहाँ, महाराष्ट्र भवन, वड़ा पाव, मिसल पाव खाने। तो ये हम आ गए, हाँ चलो आगे, ये बड़ौदा हाउस। कोपरनिकस मार्ग के बड़ौदा हाउस रेलवे का ऑफिस। धीरे रहना, स्लो स्लो, यहाँ से लेफ्ट ही रहना है हमें, क्योंकि अभी तो बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। रुक जाओ, लेफ्ट 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 लेना है यहाँ से, लेफ्ट घुस जाओ लेफ्ट। ये फरीदकोट हाउस लेन है, यहाँ से हमें अंदर लेना है अगर महाराष्ट्र भवन की कैंटीन में जाना है तो। ये हम बैक साइड में जाएंगे, कैंटीन का रास्ता वहां से ही है। छोटा सा मंदिर आ गया शनि धाम। इस गेट पर रुक जाना, रुक जाओ, या अंदर घुसा लो, घुसा लो। ये आ चुकी है महाराष्ट्र भवन कैंटीन, महाराष्ट्र भवन की कैंटीन। बाकी का ब्लॉग भाई। तो हम तो फ्रंट से उधर से फर्स्ट राइड के हिसाब से कल नहीं जा पाएगा ये। अच्छा, अभी यहाँ से मास्क नहीं, प्रवेश नहीं। हाँ यहीं पड़ा रहेंगे, क्या करना है, इतना थोड़ी ना खाएंगे चार, छोटा मोटा क्या क्या है बताओ, क्या क्या है सर? उपमा, पोहा, बटाटा वड़ा, पोहा विद चना रसा, बटाटा वड़ा विद चना रसा, बटाटा वड़ा चाट, वड़ा पाव, साबुदाना वड़ा, साबुदाना खिचड़ी, आलू परांठा, पनीर परांठा, पूरी भाजी, मिसल पाव। मिसल पाव क्या होता है? एक वो सब्जी सी होती है, सब्जी होती है, नमकीन नमकीन होता है, साथ में एक वड़ा हो, वड़ा तो हर पाव पाव होता है, पाव होता है, और एग्स एंड ब्रेड वही भी बेच दी कर। ये क्या है? ये मिसल पाव है, मिसल पाव बोलते हैं इनको, बेचता हूं इनको, फोटो इसी पे ग्रुप पे बेचता हूं। और ये आ चुका है आपका पोहा, तरी पोहा, तरी पोहा, तरी आती है।
हाँ, नागपुर में फेमस होता है तरी पोहा। और ये क्या है वो वड़ा पाव? अरे यार ये फोन क्यों कर रहा है चेतन? ये आ गया आलू बोंडा। ये इनकी सबकी अलग अलग फोटोज। अरे क्या कर दिया? लंबे बाल वाला दक्ष है, तुम्हारे घर के पास ही रहता है वो। इसमें वो मिक्स कर लेना, थोड़ा नींबू डाल के, प्याज डाल के, फिर। अच्छा तुम वहाँ रहे हो ना, तुम्हें पता है। यही मिलता होगा वहाँ पे? ये सिर्फ नागपुर में मिलता है ये वाला। अच्छा। जो पोहा है ना ये और कहीं नहीं मिलता है। मुंबई में हर जगह जो महाराष्ट्र ऑथेंटिक वाला तो पता है, हम गोवा गए थे ना। अच्छा, इसमें पांच छह दोस्त गोवा गए, इसमें डाले हमने तो हमारा ना वहाँ पे पेट का खाना तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि नॉनवेज हमारे खाने वाले में से खाने कोई। तो हम सुबह सुबह जाते थे वहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का। चलो शुरू करो यार, खाओ खाओ। रेड रेड रोगन बड़ा डाल रखा है मिर्च है ना। भाई टेस्ट तो करो। हाँ हाँ मैं टेस्ट करूँगा, कर लूँ भाई। इसको खाना कैसा भी होता हूँ, खा लेना रोटी की तरह। बस इसमें वो डाल दिया ना नींबू प्याज। हाँ पाव की तरह खाओ। सब्जी किस चीज़ की होती है? चने की। चने की ठंडा पड़ा है पाव तैयार कर। अरे ऐसे ही रहा है ना वो, ऐसे ही है मुंबई में जितने भी होते हैं ना पाव ऐसे ही मिलते हैं। जो तुम पाव भाजी भी खाओगे ना, अब तुम्हें दिल्ली वाला इतना टेस्ट आ गया कि अब ये वाली। दिल्ली में तो मसालों की भरमार कर देते हैं हर चीज में, ये मिले सेक के लिए मक्खन भी ले। अरे टेस्ट वाइज बहुत डिफरेंट है वहाँ की पाव भाजी और अपनी पाव भाजी। हम लोग को उनकी ज़्यादा पसंद नहीं आती, उनको इधर की नहीं पसंद आती। अच्छा, ऑथेंटिक टेस्ट कौन सा है? वही वाला होगा यार, यहाँ पे तो वही। लेकिन होने को जैसे वही बात है ना, जैसे चाउमीन होती थी चाइना में, चाउमीन कुछ अलग बनती है, यहाँ तो ले पत्ता ये भी मसाले सिर का भी। हाँ अच्छा, बस टाइम खाना है तो उसके हिसाब से डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन धौज है। धौज जो है पहाड़ों के बीच में एक ट्रेल है उधर गुड़गांव में। गुड़गांव फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद की तरफ कोई, यहाँ पे वो जी एफ आर। ये भी अच्छा ही है, आलू बोंडा खा के देखो। अच्छा हुआ एकदम। और ये जो है ना ये चटनी है भी बहुत अच्छी है। मैं चाय, हाँ मैं नहीं, मैं सही दे। इसमें ना इन्होंने लहसुन खूब डाला हुआ है जम के, चटनी में भी, इसमें भी, उसमें भी। तुम तो प्याज भी कम खाते हो, तुम्हारे तो आज मौज आ रही होंगी। तुम्हें आज मजा आ रहा होगा ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मीट वाला कभी तो मिलता होगा। राजस्थान भवन में कभी गए नहीं हम, चलेंगे उस दिन। कहाँ पे राजस्थानी उसके घर पे बनता है, घर में बनता है ना, उसका किसी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये बात है, घर की चीजों की तो तुलना ही नहीं है। मेरे घर में बनता है ना, मेरे को उसके आगे में टेस्ट अच्छा लगता है किसी का भी। ये हाँ सॉस ले लेता।
अच्छा लगा, चलो बढ़िया। फर्स्ट टाइम था तो अच्छा लग रहा है। पतली है आज, तुम्हें भुवनेश्वरी टेम्पल देख लाएंगे। चलो फिर वहीं का प्लान बना लो। हमने तो जाना है कल, सौ करनी है, कहीं मिले चलो चलेंगे फिर। डॉज वो सेम है ये सब जगह। नहीं ऐसा तो नहीं है, वो ऐसा, वो इधर है वो उधर है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस पड़ता है। पानीपुर भी तो वहीं पे है। अच्छा, यहाँ खाने में स्पाइसी है, मतलब है ना, मिर्च लग रही है काफी। जैसे आप कब तक लौट के भैया? कभी कभी एक बजे, कभी बारह बजे। हाँ वो सेम उसके अंदर है वो, कभी कभी चार पाँच बजे भी आए। उस दिन तनुज भाई और मैं गए थे BIC, कितने बजे घर पहुँचे थे? तनुज भाई की फर्स्ट सेंचुरी थी शायद, दूसरी थी, थके हुए होंगे फिर ये। अरे मस्ती करते इतना लेट क्यों हुए BIC में आते हुए? लेट भी निकले थे ना पहले। हाँ लेट भी निकले थे, हाँ निकले भी उस दिन लेट ही थे। हम दोनों थे क्या? हाँ हम दोनों ही थे। चाय अच्छी है, लाजवाब चाय, बढ़िया। ये ले लो मैच का वड़ा पाव, सुखाएगा भाई ऐसे ही। वड़ा पाव नहीं खाया तक, बर्गर की तरह देसी बर्गर। ये लो भाई, हो गया ना भाई हमारा मैच भाई। ये देखो मैं खा रहा हूँ, तुम खाओ। अरे खा लेना। ओह बड़ा पाव नहीं खाया तुमने रोड साइड पे? मैं गोवा गए, हम ऐसे ही वहाँ से आ रहे थे, नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जा रहे थे। तो साउथ गोवा में बीच में रास्ते में मैं बड़ा पाव वाला मिल गया भाई, जो मतलब यहाँ पे भी जो पाव है वो भी अच्छा था, फ्रेश एकदम। वहाँ पे जो वो दे रहे थे ना हरी मिर्च और होते हैं इसके साथ, तेल में वो नहीं है, बहुत बढ़िया रहती है। इसमें ज्यादा मिर्ची भी नहीं होती है, फ्लेवर के लिए होती है। तो मुंबई में तुम किसी भी रेडी से लोगे तो ऐसे पकड़ा देते ना हाथ में, ऐसे नहीं है किसी पत्ते में रख के ले। आप प्रियंका बढ़िया, तुम बताओ तो सुन लिया ना उसने सुबह सुबह मेरे से?